पीयूसी सेकेंड हिंदी चैप्टर 3 गंगा मैया से साक्षात्कार। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया? उत्तर, लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार लिया। प्रश्न एक, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया? उत्तर, लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार लिया। प्रश्न दो, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? उत्तर, लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। प्रश्न दो, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? उत्तर, लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। प्रश्न तीन, माँ कहाँ विराज रही थी? उत्तर, माँ मंदिर में विराज रही थी। प्रश्न तीन, माँ कहाँ विराज रही थी? उत्तर, माँ मंदिर में विराज रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चार, माँ के चेहरे पर क्या थी? उत्तर, माँ के चेहरे पर उदासी थी। प्रश्न चार, माँ के चेहरे पर क्या थी? उत्तर, माँ के चेहरे पर उदासी थी। प्रश्न पांच, किसका संकट चर्चा का विषय बन चुका है? उत्तर, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बन हुआ है। प्रश्न पांच, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? उत्तर, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रश्न छह, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। प्रश्न छह, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। प्रश्न सात, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? उत्तर, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। प्रश्न सात, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? उत्तर, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न आठ, असली झगड़ा किसके बारे में है? उत्तर, असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। प्रश्न आठ, असली झगड़ा किसके बारे में है? उत्तर, असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नौ, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? उत्तर, मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी तक हंसने लगे हैं। प्रश्न नौ, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? उत्तर, मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी तक हंसने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दस, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। प्रश्न दस, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? उत्तर, गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न ग्यारह, पुन पतन की किरणों कब फूटती हैं? उत्तर, पतन की जब पराकाष्ठ हो जाती है तब पुन पतन की किरणें फूटती हैं। प्रश्न 11, पुन पतन की किरणों कब फूटती हैं? उत्तर, पतन की जब पराकाष्ठ हो जाती है तब पुन पतन की किरणों फूटती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा? प्रश्न एक, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा? उत्तर, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया कहती है कि पूरे देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ। लोगों का मन दूषित हो गया है, स्वार्थी लोगों की संख्या बढ़ रही है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है, सेवा करने से चरित्र बनता है, अब तो सब मेवा
बटोरने में लग गए हैं। भक्ति संस्कृति आचरण के नाम पर जल स्रोतों का शुद्ध रखने की परिकल्पना भारतीय संस्कृति का अंग थी, लेकिन अब सब पैसों के लालच में पड़कर अपना सारा कचरा मुझ में ही डालते हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ गया है। जो लोग कहते हैं कि गंगा मैया ही यह शक्ति है, प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है, वे उल्लू के आस्तावन शिष्य हैं। प्रश्न दो, समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? उत्तर, समाज में प्रदूषण की समस्या जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चरित्र का संकट भी है। चरित्र का अस्तित्व ही मिट गया है, क्योंकि सेवा करने से ही चरित्र बनता है, लेकिन अब सेवा में सेवा ही मेवा बन गई है। अब धर्म की भी एक समस्या है, देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। जब तक गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है, दलों में लड़ाई चलती है जो दलदल यानी कीचड़ पैदा करती है। लोग कुर्सी यानी अधिकार, धन वैभव और सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। पशु पक्षी भी मनुष्य के कुकर्मों पर हंस रहे हैं। प्रश्न तीन, गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? उत्तर, गंगा मैया समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में कहती है। महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो कहना ही क्या, सब कुर्सी के लिए झगड़ रहे हैं। कुर्सी का अर्थ है शक्ति, शक्ति का अर्थ है वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। एक बार इसका चक्का जबान पे पड़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो शक्ति व्यक्ति ऐसा भटक जाता है जैसे मजनू लैला के पीछे पीछे घूमता था। निम्नलिखित वाक्यों में किसने किससे कहा? प्रश्न एक, आपने मेरे ज्ञान पक्ष खोल दिया। उत्तर, यह वाक्य लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी ने गंगा मैया से कहा। दो, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? उत्तर, प्रश्न एक, यह लेखक का डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी के जी ने गंगा मैया से कहा। अतिरिक्त प्रश्न एक, कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। उत्तर, गंगा मैया ने लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी से कहा। संदर्भ के स्पष्टीकरण कीजिए। संदर्भ एक, वत्स, देश का वातावरण ही जब दूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती थी। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के गंगा मैया से साक्षात्कार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। संदर्भ, यह वाक्य लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है। स्पष्टीकरण, लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है कि मेरी स्वयं समझ में नहीं आ रही है कि यह हमारा देश इतना दूषित हो रहा है। वत्स, देश का वातावरण ही जब दूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती थी। लोगों का मन दूषित हो गया है। भक्ति और संस्कृति के आचरण के नाम पर
गंगा माया जैसे पवित्र जल को दूषित करते हैं, सारा कचरा उसमें डालते हैं, इसलिए देश का वातावरण दूषित हो गया है। संदर्भ दो, बेटा शब्दकोश में उसका नाम शेष है, उपदेश के प्रयोग में भी आ रहा है। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के गंगा मैया से साक्षात्कार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर परसाने लाल चतुर्वेदी हैं। संदर्भ, प्रस्तुत वाक्य में लेखक को गंगा माया चरित्र के संकट की विषय में बताते हुए यह वाक्य कहती है। स्पष्टीकरण, साक्षात्कार में लेखक को चरित्र के बारे में गंगा माया कहती है कि चरित्र तो अब केवल शब्दों कोश में ही बचा है, जिसका उपदेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। मास्टर भी छोटी कक्षाओं में भी कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। संदर्भ तीन, सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग सेवा ही मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य गौरव के गंगा माया से साक्षात्कार नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। संदर्भ, इस गंगा माया लेखक से मनुष्य के अंध पतन के बारे में कहते हैं। स्पष्टीकरण, लेखक गंगा माया से साक्षात्कार लेने गए, मंदिर में विराज रहे थी, चेहरे पर उदासी थी। साक्षात्कार दौरान गंगा माया कहती है कि देश का वातावरण ही दूषित हो गया है, तो गंगा माया कैसे बच सकती है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बन हुआ है, अब केवल शब्द कोश में ही चरित्र का शब्द शेष है। लेखक के पूछने पर ही चरित्र के अस्तित्व का किसने, लेकिन अब वह अभी मनुष्य की स्वार्थिक बनकर सेवा बटोरने में लग रहे हैं, सेवा भाव पीछे छूट गया है। संदर्भ चार, एक बार जब जबान पे पड़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के गंगा माया साक्षात्कार नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। संदर्भ, इस वाक्य को गंगा माया लेखक से साक्षात्कार अंतर्गत देश के कुलुषित वातावरण के संदर्भ में कहते हैं। स्पष्टीकरण, गंगा माया देश के कुलुषित वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं, समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है, राजनीति के क्षेत्र में तो कहना ही क्या, दल से दल लड़ता रहता है, इन सब का कारण कुर्सी के लिए झगड़ा। लेखक कहते हैं कि बाजार में खूब कुर्सियां उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी कुर्सी का तात्पर्य लेखक को स्पष्ट करते हुए गंगा मैया कहती है कि कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान और कीर्ति आदि। एक बार जबां पर इसका चस्का लग जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। संदर्भ पांच, पतन की जब पराकाष्ठ हो जाती है तो तभी पुन पतन की किरणों फूटती हैं। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य गौरव के गंगा माया से साक्षात्कार नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी हैं। संदर्भ, लेखक के अंतिम प्रश्नों के उत्तर में गंगा माया कहती हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, जैसा पहले ही हुआ पतन की जब पराकाष्ठ हो जाती है तब पुन पतन की किरणों फूटती हैं। स्पष्टीकरण, लेखक जब अंतिम प्रश्न करते हैं
कि माँ भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। तब गंगा मैया कहती हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, पतन जब अधिक होना शुरू हो जाता है तो तब पतन ही मार्ग खुलता है। वाक्य शुद्ध कीजिए, मैंने जाकर माँ की चरण छुए, मैंने जाकर माँ के चरण छुए। दो, वह एक दिन मेरा पास आया था, वह एक दिन मेरे पास आया था। उसे किसकी डर नहीं है, उसे किसका डर नहीं है। वाशुकता बढ़ता चला जा रहा है, वाशुकता बढ़ती चली जा रही है। मैंने कभी भेदभाव नहीं की, उत्तर, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। कोष्टक में दिए गए छह शब्दों के रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न एक, डैश करने से चरित्र बनता है, सेवा। दो, चेहरे पर डैश थी उदासी। उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी, कावेरी। प्रश्न चार, डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध है, कुर्सियां। इनका कोई डैश दिखला ही नहीं देता, अंत। निम्नलिखित वाक्यों में सूचना अनुसार बदलिए। सेवा करने से ही चरित्र बनता है, वर्तमान काल में बदलिए। सेवा करने से ही चरित्र बनता है, दल से दल लड़ता है, भविष्यकाल। दल से दल लड़ेगा, भविष्यकाल। दल से दल लड़ता था, भूतकाल। असली झगड़ा कुर्सी का है, भूतकाल में बदलिए। असली झगड़ा कुर्सी का था। अन्य लिंग रूप लिखिए। सचिव महिला, सचिवा। वत्स वत्सा, शिष्य शिष्या। उपदेश उपदेशिका। राज्यपाल राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल। विलोम शब्द, पवित्र अपवित्र। सस्ता महंगा, ज्ञान अज्ञान, दुख सुख। पतन उत्थान पतन। निम्नलिखित उपरोक्त जोड़कर नए शब्द निर्माण कीजिए। अप प्लस मान, अपमान। प्र प्लस दूषण, प्रदूषण। अ प्लस भय, अभय। निर प्लस भय, निर्भय। सु प्लस पुत्र, सुपुत्र। अप प्लस कीर्ति, अपकीर्ति। मैं गंगा मैया से साक्षात्कार लेखक का परिचय। गंगा मैया से साक्षात्कार लेखक का परिचय। हिंदी साहित्य के ख्यात प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बसाने लाल चतुर्वेदी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक वाक्य में व्यंग पर की उपाधि प्राप्त की है। आपका व्यंग हास्य के चटकारे के लिए रहता है। अपने वाक्य निबंध एवं कैरी चेकर रूपों के व्यंग के लिए अपनाए अपने लेखक का प्रारंभ हास्य से ही किया, परंतु अनुभव में बुद्धि के साथ साथ व्यंग की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बुलेंदु शेखर तिवारी के शब्द में बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग लेखक कहा हंसता है, हंसता का एक विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं में द्वारा सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध रचनाएं, बोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर कोचेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध ग्रंथ आदि। गंगा मैया साक्षात्कार पाठ का आशय, प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत नामक ग्रंथ से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज भ्रष्टाचार, महंगाई और धन के नाम पर होने वाले ठकोसलों पर व्यंग की किया है। आज की ज्वलंत समस्या से विद्यार्थियों को
अगवत करने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया था गया है। समरी इन हिंदी गंगा मैया से साक्षात्कार समरी। प्रस्तुत पाठ से लेखक डॉक्टर बसाने लाल चतुर्वेदी ने गंगा मैया से माध्यम से भ्रष्टाचार, महंगाई तथा धार्मिक टसलों पर व्यंग किया है। प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया कहती है कि मेरी समाज में नहीं आ रहा है कि यह हमारा देश इतना दूषित क्यों हो रहा है। देश का वातावरण ही जब दूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ। आज चरित्र भी मानो रोने लगा है। समाज में कई समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे सेवा धर्म को लोगों को मेवा धर्म का सेवा धर्म को लोग मेवा धर्म समझने लगे हैं। अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें गंगा उन्हें तार देगी। दूषित तो छुआछूत का रोग है। लोग गंगा जल का मलिन कर रहे हैं। महंगाई, रिश्वतखोरी, फाशुकता आदि बढ़ जा रही है। आजकल एक दल दूसरे दल को लड़ता है। दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है जो दल दल से पैदा करती है। कारण अलग अलग बताते हैं, परंतु असली झगड़ा तो कुर्सी है। तो कुर्सी से मतलब है कि शक्ति, वैभव, धन, सम्मान, कुर्ती आदि। एक्सपर्ट करियर एकेडमी विलासा सैनिक स्कूल मोदलिंग एटत्र तेरोड़ हबीब नगर विजयपुर। सो एडमिशन ओपन समर वेकेशन क्लास एंड रेगुलर क्लासेस इन योर ईयर। क्लास 10th कन्नड मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम एडमिशन ओपन। क्लास 9th, क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 6th, क्लास 5th, क्लास 4th, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नवोद सैनिक कित्तूर इन एडमिशन ओपन इन एक्सपर्ट करियर एकेडमी। सो पीयूसी फर्स्ट सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस। So our class coaching available in Expert Career Academy. So thank you for watching and subscribe. ee video nodidakke ella vidyarthigalige dhanyavaadagalu. So Expert Career Academy vilasa Sainya School modlenegetatra Tarudu Habib Nagar Vijaypur omme bettikudi.